तो इस वीडियो में मैं आपको 500 रुपए से लेकर 40-50 हजार रुपए तक का मोटो व्लॉगिंग सेटअप बताऊंगा जो कि 2024 में सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजने वाले हैं, नहीं यार 6:30 नहीं 5:30 बजने वाले हैं शाम के, और मंदिर आ चुका है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोटो व्लॉगिंग सेटअप 2024 में कौन सा है। तो ये वीडियो दोनों के लिए बढ़िया है, जिनका बजट बहुत ज़्यादा है और जिनका बजट बहुत ज़्यादा कम है, दोनों लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के बारे में बता देता हूँ जो अभी के टाइम में यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ GoPro Hero 9 ब्लैक, जिसमें लग रखा है माइक एडेप्टर वाला सेटअप। दो ऑप्शन होते हैं ना आपके पास GoPro में, एक मीडिया मोड और दूसरा माइक एडेप्टर। तो मेरे को माइक एडेप्टर ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैंने माइक एडेप्टर वाला सेटअप लगा रखा है अपने GoPro में। और उसके साथ माइक लगा रखा है मैंने माउनो का, जो एक बहुत ही ज़्यादा सस्ता और बढ़िया माइक है अपने प्राइस के हिसाब से। और उसके अलावा एक मैंने ये यूलानजी वाला केस लगा रखा है। अरे भाई क्या चल रहा है ये रोड पे, ATV जा रही है, ATV भगाता हुआ ले जा रहा है वो उसे। और इस कैमरे में जो मेमोरी कार्ड है वो मैंने डाल रखा है 128 GB का सैमसंग का, और जो इसमें मेमोरी कार्ड है वो मैंने डाल रखा है सैमसंग का 128 GB का। तो टोटल ये सेटअप मेरे को पड़ा था लगभग, वैसे सच बताऊँ तो मैंने GoPro Hero 8 खरीदा था ब्लैक कलर का, मतलब ब्लैक ही आता है वैसे तो, 7-6 में आते थे ग्रे वाइट। तो GoPro Hero 8 था मेरे पे, लेकिन वो ख़राब हो गया था और वो वारंटी में था, तो जिसकी वजह से GoPro ने मेरे को Hero 8 के बदले Hero 9 दे दिया था वारंटी में, क्योंकि जो Hero 8 है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है ना, तो उनके पास अवेलेबल नहीं रहता जो चीज़ डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने मेरे को 9 दे दिया था। और जो GoPro Hero 8 है वो मैंने ख़रीदा था 30,000 रुपये का, यूलानजी वाला केस ख़रीदा था 1,200 रुपये का, माइक ख़रीदा था 400 रुपये का, और माइक अडेप्टर ख़रीदा था 4,000 रुपये का, और जो मेमोरी कार्ड है वो मैंने ख़रीदा था 1,000 रुपये का। तो आप सबको टोटल कर लेना कितने हो रहे हैं। तो इतने का पड़ा था मेरे को अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप Hero 8 के साथ। Hero 9 उस टाइम 5,000 रुपये महंगा था, 35,000 का था। वैसे अब तो Hero 9 भी डिसकंटिन्यू हो चुका है, जो जो चीज़ मेरे पे आती जाती है वो डिसकंटिन्यू होती जाती है। नया GoPro लेने में ना यही फ़ायदा रहता है, आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, तो 2 साल में कुछ भी ख़राब होता है ना कैमरे में तो उसे रिप्लेस करके नया दे देते हैं वो आपको, रिपेयर विपेयर नहीं करते, नया दे देते हैं सीधा। इसीलिए मेरे को GoPro की ये चीज़ बढ़िया लगी, लेकिन इंडिया में GoPro अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आपको कैमरा ना बाहर भेजना पड़ता है सिंगापुर, और आने जाने में लगभग 15-20 दिन का टाइम लग जाता है। अगर इंडिया में ही होता तो फटाफट जाके तुरंत रिप्लेस हो जाता, पर भैया इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए पहले आपको GoPro बाहर भेजना पड़ता है सिंगापुर कोरियर करके। सामने देखो अंकल साइकिलिंग कर रहे हैं, मेरे को भी ऐसी साइकिल ख़रीदनी है अपने लिए। हाँ तो मैं बोल रहा था जाने में लग जाता है 10 दिन लग जाता है, फिर आने में ही उतने दिन लग जाते हैं, तो इसीलिए टाइम लग जाता है आने जाने में। पर यह कि आपको नया GoPro मिल जाता है और आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होता, सारी चीज़ें वही करके देते हैं। तो फाइनली मेन रोड पे तो पहुंच गया हूँ मैं, लेकिन मेन रोड पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। ये वाला रास्ता बंद कर दिया क्या? नहीं खुला है। इधर देखो काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का यहाँ पे शायद मेट्रो स्टेशन बनेगा या फिर कुछ ना कुछ तो बनेगा। और अब स्टार्ट करते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप को सबसे महंगे से। जैसे अमेजोन में हम सर्च करते हैं तो आता नहीं है हाई टू लो, तो हाई टू लो से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी के टाइम जो GoPro Hero 12 है वो सबसे ज़्यादा हाई एंड कैमरा निकाल रखा है GoPro ने, तो वो आप खरीद सकते हो। लेकिन वैसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है GoPro Hero 11, ऐसे ही 10 इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, 9 है, तो उस हिसाब से ले लेना। पर यह कि 12 ले लोगे तो एक दो फीचर ज़्यादा मिल जाएंगे, बस ये है। तो आप माइक अडेप्टर वाला सेटअप यूज़ कर सकते हो या तो फिर मीडिया मोड वाला सेटअप यूज़ कर सकते हो, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जो मीडिया मोड वाला सेटअप है वो थोड़ा महंगा आता है, माइक अडेप्टर वाला सस्ता आ जाता है, और ऊपर से माइक अडेप्टर वाला सेटअप ना सारे GoPros में लग जाएगा, लेकिन मीडिया मोड हर GoPro के अलग अलग आते हैं। मेरे हिसाब से 9-10 का सेम आता है, फिर 11 और 12 का सेम आता है मीडिया मोड, लेकिन जो माइक अडेप्टर वाला सेटअप है वो सब में लग जाएगा, चाहे 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो। बस आपको जो ये यूलानजी वाला केस है ये दूसरा लेना पड़ेगा, पर माइक अडेप्टर सारे GoPros में लग जाता है, ये चीज़ बढ़िया लगती है इसकी मेरे को। कल को मेरा GoPro ख़राब भी हो जाता है ना तो मेरे को बस GoPro खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास मीडिया मोड वाला सेटअप है
तो या तो फिर आपको नया GoPro भी वही सेम खरीदना पड़ेगा, या तो फिर आपको GoPro के साथ साथ मीडिया मोड भी खरीदना पड़ेगा। और मीडिया मोड में एक और चीज़ है कि वो वाटरप्रूफ नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन जो माइक अडेप्टर वाला सेटअप है ना, ये कुछ कुछ जुगाड़ करके वाटरप्रूफ बन जाता है, तो ये भी फ़ायदा है इसमें। सामने आसमान देखो क्या मस्त लग रहे हैं, ये देखो, अब देखो, अब साफ दिख रहा होगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ उन लोगों के लिए जिसका बजट है 20,000 रुपये के आसपास या ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये के आसपास, उनको इतने में पूरा मोटर व्लॉगिंग सेटअप चाहिए, माइक अडेप्टर भी, यूलानजी वाला केस भी, सारी चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड हैंड GoPro ले सकते हो, क्योंकि इस प्राइस में ना ब्रांड न्यू कैमरा भी आ जाता है डिजिटेक का, 20,000 रुपये के आसपास आता है वो, 17,000 से लेके 20,000 के बीच में, या फिर हो सकता है 22,000 तक भी जाता हो, लेकिन उसको खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। दो ही बजट में एक्शन कैमरा खरीदने का फायदा है, एक तो बिल्कुल ही लो बजट में जो 10,000 के अंदर अंदर हो, या तो फिर सीधा GoPro ही खरीदो। ये जो बीच वाला सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा बेकार है और वेस्ट ऑफ मनी है, इसीलिए अगर आपका इतना बजट है मतलब 20,000-25,000, तो एक सेकेंड हैंड GoPro खरीद लो बढ़िया सा। लेकिन लेने से पहले चेक वेक कर लेना, क्योंकि GoPro में ऐसी ऐसी दिक्कतें हो जाती है जो इंसान को पता ही नहीं चल पाती एक दो महीने तक तो। लेकिन वैसे मार्केट में बहुत सारे अनयूज्ड GoPro मिलते रहते हैं, क्योंकि GoPro एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग यूज़ कर पाते हैं ढंग से, ज़्यादातर लोग यूज़ ही नहीं कर पाते, खरीद लेते हैं पर यूज़ नहीं कर पाते। ये देखो टाटा हैरियर क्या तगड़ी लग रही है, डार्क एडिशन। और सेकेंड हैंड GoPro भी ना ऐसा मत ले लेना बहुत ही ज़्यादा पुराना, जैसे 7, 6, 5, ये तो गलती से भी मत ले लेना, 8 भी मत लेना, कोशिश करना 9 लो या फिर उससे ऊपर लो। और जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना उनका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो आराम से। और ऊपर से मोटो व्लॉगिंग के लिए ना GoPro ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, GoPro से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका इतना बजट है एक सेकेंड हैंड GoPro ले लेना बढ़िया, खुश रहोगे ज़िंदगी भर। और वहीं अगर कोई और एक्शन कैमरा खरीद लोगे फिर ज़िंदगी भर पछताते रहोगे, ज़िंदगी भर तो नहीं कुछ टाइम तक पछताते रहोगे कि GoPro क्यों नहीं खरीदा, इतने में तो सेकेंड हैंड GoPro आ जाता बढ़िया। GoPro में पता है क्या चीज़ है, एक तो वाइड एंगल सबसे ज़्यादा है, और दूसरा वॉइस क्वालिटी। इसमें कितना भी सस्ता माइक लगा लो, जैसे कि मैंने अभी लगा रखा है माउनो का, तो बढ़िया वॉइस क्वालिटी दे देता है ये, और अगर महंगा माइक लगा दोगे तो और ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी दे देगा, पर सस्ते माइक में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी दे देता है, जैसा कि आपको अभी सुनाई दे रहा होगा। अभी जो मैंने इसमें माइक लगा रखा है मैंने 350-400 रुपये का ख़रीदा था, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इसको यूज़ करते करते, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। और ऊपर से इस माइक में आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है, लोग वो भी लगा लेते हैं बोया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को घटिया लगता है मोटो व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि उसमें सेल लगता है ना, और सेल कभी भी ख़त्म हो सकता है, सेल ख़त्म हो गया तो आपकी वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं होगी, तो उससे बढ़िया ये सही है, इसमें कभी सेल ख़त्म ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़, इसकी जो वायर है वो बहुत छोटी है, इसमें कंडेंसर भी नहीं लग रखा है, तो जिसकी वजह से हेलमेट में लगाना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। और जो बोया वाला माइक है वो बहुत ज़्यादा लंबा माइक है, ऊपर से उसमें एक कंडेंसर होता है छोटा सा जिसमें सेल लगता है, तो जिसकी वजह से उसे हेलमेट में लगाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको हेलमेट पे लगाने के लिए। इसीलिए सबसे बढ़िया है माउनो का माइक लो अगर आपका बजट कम है, और बजट ज़्यादा है 2,000 रुपये तक का, तो आप सोनी का माइक ले सकते हो। ऐसा नहीं है महंगा माइक वैल्यू फॉर मनी नहीं है, जितना महंगा माइक लोगे उतनी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़िया आएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको हाई स्पीड में मोटो व्लॉगिंग करनी है तब आपको थोड़ा महंगा माइक लेना पड़ेगा। इस वाले माइक में ना हाई स्पीड में इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती, ग्लिचेज आते हैं ग्लिचेज, लेकिन स्कूटी के हिसाब से सही है, मैं तो स्कूटी चलाता हूँ ना, तो मेरे लिए सही है। तो अब आपको बताता हूँ 10,000 रुपये के बजट के बारे में, 10,000 के बजट में आप कौन सा एक्शन कैमरा खरीद सकते हो। वैसे 10,000 के बजट में ना अभी के टाइम बहुत सारे कैमरे आ चुके हैं, डिजिटेक का आ चुका है, प्रोकस, फिट स्पार्क, ईजी वन आता है, और भी पता नहीं क्या क्या कैमरे आने लग गए हैं 10,000 रुपये के बजट में, लेकिन सारे के सारे एकदम बेकार कैमरे हैं, वेस्ट ऑफ मनी कैमरे हैं। 10,000 के बजट में सिर्फ एक ही कैमरा है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, और जिसकी क्वालिटी भी बढ़िया है, चाहे बिल्ड क्वालिटी ले लो या फिर कैमरा क्वालिटी ले लो या फिर वॉइस क्वालिटी ले लो। और जो कैमरा मैंने भी लगभग 1.5 साल यूज़ कर रखा है, और उस कैमरे का नाम है SJCAM का SJ6 Legend, जो कि 10,000 रुपये के अंदर अंदर आ जाता है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कैमरा है अपने प्राइस के हिसाब से। तो इसीलिए अगर आपका 10,000 का बजट है ना, तो इसके अलावा और कोई कैमरा मत खरीदना गलती से भी, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, वो बोलते हैं भैया हमने इजी वन खरीद लिया, पैसे वेस्ट हो गए, बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी आ रही है इसकी, तो
इससे बढ़िया हम SJ6 लेजेंड ही खरीद लेते हैं। उन कैमरों के साथ ना आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है, मतलब कैमरे के साथ ही मिल जाती है, माइक भी मिल जाता है शायद, मेमोरी कार्ड भी मिल जाता है, लेकिन अच्छे नहीं है यार वो प्रोडक्ट, ऐसे ही निकाल रखे हैं बस। 10,000 में आपको 4K 5K दे देते हैं, आगे स्क्रीन भी दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं आती उनकी वीडियो क्वालिटी। इसीलिए सबसे बढ़िया है SJ6 लेजेंड खरीद लेना, उसका वाइड एंगल भी अब बढ़िया हो चुका है और ऊपर से उसमें माइक भी लग जाता है, तो वॉइस और ऊपर से उसमें अडेप्टर लगा के माइक लगता है ना, तो वॉइस क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आती है। एक उसका अडेप्टर आता है मार्केट में, वो खरीदना, फिर माइक लेना उसका 3.5 mm वाला। तो अब आते हैं अपने सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर, जो आपका बन जाएगा 500 रुपये में। तो वो सेटअप है मोबाइल के साथ मोटो व्लॉगिंग सेटअप, जिसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। एक तो मोबाइल होल्डर खरीदना पड़ेगा जिसमें आप मोबाइल को माउंट कर सको अपने हेलमेट पे, दूसरा आपको माइक खरीदना पड़ेगा बस। तो इन दो चीज़ों से आप बढ़िया सा मोटो व्लॉगिंग सेटअप बना सकते हो टेम्प्ररी, जब तक आपका चैनल ना चल जाए और जब तक आपके पास थोड़े पैसे ना आ जाए। लेकिन हाँ, इस सेटअप में थोड़े थोड़े नुकसान है। एक तो ये है कि इसमें चालान कट जाता है, बहुत लोगों का कटा है इसमें चालान, बाकी घर के आसपास तो बना ही सकते हो ऐसे लोकल में। तो इसीलिए जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जितना भी आपका बजट है, उसके हिसाब से फटाफट स्टार्ट कर दो जितना जल्दी हो सके, इंतजार मत करो किसी भी चीज़ का। आई होप आपको पता चल गया होगा बढ़िया सा मोटो व्लॉग सेटअप हर बजट में। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में।